अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। कई लोगों के पास कैंसर का इलाज पहुंचा नहीं है, फिर से सुन लीजिए। बहुत मुजर्रब इलाज है, 11 मरतबा दुरूद शरीफ आगे और 11 मरतबा सूरह फातिहा, और एक आयत पढ़ रहा हूं, अला यालमु मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर। 2022 मरतबा ये आयत पढ़नी है, 2021 न हो इसका ख्याल रखना, 2025 हो, 2030 हो, 2050 हो, वो कोई हर्ज नहीं है। और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और फिर 11 मरतबा सूरह फातिहा, और ये आयत जो है अला यालम मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर, ये सूरह मुल्क में है, आयत नंबर 14 है। ये जिंदगी में एक मरतबा अमल करना है, कोई रोजाना नहीं पढ़ना। पानी पर दम करके मरीज को पिलाते रहें, दवाओं पर दम कर दीजिए, मरीज पीता रहे, और अगर किसी को बीमारी नहीं भी है फिर भी जो है वो अपने घर वालों के लिए एक मरतबा जिंदगी में करके बच्चों को पिला दे, तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि पेशगी तरीके पर जो है यानी उसको इस बीमारी से हिफाजत हो जाएगी। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है दुनिया के अंदर, कई लोगों को फायदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें एक बात का ख्याल रखना कि अगर जो है कोई हिंदू है आपका दोस्त या कोई, तो उसको भी ये पानी पड़ा हुआ दे सकते हो आप। अल्लाह ताला इस बीमारी से सब की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह जो बीमारी में मुबतला है अल्लाह सबको शिफा दे आफियत के साथ। ये मैंने मुख्तसर अर्ज कर दिया, तफसील यूट्यूब पर देख लेना, मोहम्मद यूनुस पालमपुरी, उसमें बहुत तफसील से मैंने कहा है, लेकिन जो कई जगह पर यह पहुंचा नहीं है इसलिए फिर से मैं सबक दे रहा हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।